जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि टोयोटा ने अपनी इनोवा का न्यू जनरेशन फाइनली अनवील कर दिया है, जिसका नाम है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। और इस बार सच में टोयोटा ने काफ़ी बड़ा जंप मारा है अपग्रेडेशन के मामले में। अभी तक इनोवा की जितनी भी जनरेशन चेंज हुई है उनमें इतना बड़ा अपग्रेडेशन आज तक नहीं हुआ है। तो अगर आप नई इनोवा हाई क्रॉस लेने का प्लान बना रहे हो तो इस गाड़ी के काफ़ी सारे पॉजिटिव्स है, लेकिन दोस्तों उसके साथ थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स भी है। तो आज की इस वीडियो में हम इस गाड़ी की खूबी और कुछ कमियों के बारे में बात करते हैं। तो पहले इस गाड़ी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो पहला है कंफर्ट एंड स्पेस। टोयोटा इनोवा पहले से ही इंडिया की सबसे कंफर्टेबल और स्पेशियस एमपीवी रही है, लेकिन इस वाली जनरेशन में हमको एक स्टेप और अप मिलेगा। नई इनोवा हाई क्रॉस मोनोकोक चेसिस पर बेस्ड है, जिससे बॉडी रोल पहले से बहुत ही कम होगा, और साथ ही इस गाड़ी की लेंथ, विड्थ और व्हील बेस एक्सटेंड किया गया है, तो इंटीरियर में स्पेस भी ज़्यादा होगा ओल्ड इनोवा के मुकाबले। तो ओवरऑल नई इनोवा कंफर्ट और स्पेस के मामले में काफ़ी शानदार कार होने वाली है। सेकंड पॉजिटिव है फीचर्स। इनोवा हाई क्रॉस अब तक की सबसे हाईटेक कार होने वाली है टोयोटा की इंडिया में। जो फीचर्स हमको फॉर्च्यूनर में दूर दूर तक नहीं मिलते वो अब इनोवा हाई क्रॉस में मिलेंगे, जैसे बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, एडास टेक्नोलॉजी जिसमें गाड़ी अपना ब्रेक्स वगैरह मारती है सामने कुछ ऑब्स्टिकल सेंस करके, लेन ट्रेसिंग असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, क्रूज कंट्रोल। तो मुझे नहीं लगता कि इस गाड़ी में किसी को भी फीचर्स की कमी महसूस होगी। थर्ड, माइलेज। इनोवा हाई क्रॉस में हमको पेट्रोल प्लस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे इसमें रियल लाइफ में 20+ KMPL की फ्यूल इफिशेंसी मिलने वाली है, जो कि पुरानी इनोवा क्रिस्टा के डीजल इंजन से भी ज़्यादा है। तो 20+ का माइलेज इतने बड़े साइज के SUV में, वो भी पेट्रोल इंजन के साथ मिलना बहुत बड़ी बात है। फोर्थ, साइलेंट एंड रिलायबल इंजन। जैसा कि इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आती है और साथ ही EV मोड भी दिया गया है, जिससे ये गाड़ी कुछ दूरी तक केवल इलेक्ट्रिक बैटरी की हेल्प से भी चल सकती है। और टोयोटा का इंजन है वो भी इनोवा का, तो रिलायबिलिटी में तो कोई इशू भूल ही जाओ। और लास्ट फिफ्थ पॉजिटिव है डिज़ाइन। अब तक की सभी जनरेशन में टोयोटा थोड़े बहुत चेंजेस कर देते थे, बेसिकली कॉस्मेटिक चेंजेस, लेकिन इस बार इनोवा को एक प्रॉपर न्यू लुक दिया गया है जो कि काफ़ी मस्कुलर और बड़े साइज की लगती है। तो इनोवा हाई क्रॉस इस बार एक MPV के बदले एक SUV का फील ज़्यादा देती है। और बाकी सबका अपना अलग अलग ओपिनियन है, आप कमेंट्स में बताना कि आपको पुरानी इनोवा क्रिस्टा की लुक्स पसंद थी या नई इनोवा हाई क्रॉस की। तो अब आते हैं इस गाड़ी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स पर, जिनको जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो पहला और सबसे बड़ा नेगेटिव जो मुझे पर्सनली लगा वो है फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम। शुरुआत से लेकर अभी तक इनोवा केवल रियर व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती थी, जिससे उसकी कैपेबिलिटीज थोड़ी ज़्यादा बेटर थी हिली एरियाज वगैरह में। लेकिन नई इनोवा फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ ऑफर की गई है, जो कि काफ़ी इनोवा फैंस के लिए डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। सेकंड, नो डीजल इंजन। नई इनोवा में इस बार कोई डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। नई इनोवा केवल दो पेट्रोल इंजन के साथ आएगी, पहला 2 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल इंजन और दूसरा 2 लीटर का पेट्रोल प्लस हाइब्रिड इंजन। उसके अलावा कोई तीसरा इंजन प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो जो लोग डीजल लवर है या नई इनोवा को डीजल इंजन में लेने का सोच रहे थे, तो सैडली ये गाड़ी उनके लिए नहीं है। और थर्ड नेगेटिव है प्राइस। जैसा कि इस बार टोयोटा ने इनोवा में इतने सारे अपग्रेड्स और चेंजेस किए हैं, तो ऑब्वियसली इस गाड़ी का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड होगा। और वैसे भी टोयोटा है तो प्राइस तो कम होने से रहा। वैसे अभी ऑफिशियल इस गाड़ी का प्राइस अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेड है 22 से 30 लाख रुपीस एक्स शोरूम के बीच में। लेकिन अगर इतने प्राइस पॉइंट पर भी ये गाड़ी आती है तो फिर भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी डील होगी इतने मस्कुलर लुक्स और हाईटेक फीचर्स के साथ। तो ये थे नई टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। आप कमेंट्स में बताना कि आपको ओवरऑल ये गाड़ी कैसी लगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।